हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तो स्वागत है दोस्तों आपका स्पीडी करंट अफेयर्स जो हर महीना हम कवर करते आ रहे थे तो इस बार का जो एडिशन है वो नवंबर 2021 से लेकर फर्स्ट अक्टूबर टू तक जो लेटेस्ट एडिशन मैगजीन आई है इंग्लिश में तो उसको आज हम कवर करेंगे सो एज़ यूजल प्रीवियस पैटर्न की तरह हम पहले एम सी क्यूज का कवर किया जाएगा उसके बाद हम वन लाइनर्स पढ़ेंगे और कंप्लीट मैगजीन जो जो अपडेट्स हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा तो शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करने से पहले प्रॉक्सी ज्ञान और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली ओके okay? इस दिवाली से आप आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए जो आपके मकसद है जो आपका टारगेट है आ, कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना है ज़िंदगी में अच्छा सेटल होना है भगवान आपके सारे ख्वाहिशों को पूरे करें तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो एम डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वन लाइनर्स भी पढ़ेंगे दोस्तों और ये एडिशन जो है फर्स्ट नवंबर से लेकर फर्स्ट अक्टूबर 2022 ओके okay? 2021 थाउजेंड फर्स्ट नवंबर से फर्स्ट अक्टूबर 2022 थाउजेंड तो लेटेस्ट मैगजीन है ये तो चलिए थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छा दिखे राइट सो रिसेंटली द इंडियन प्लेयर जुलन गोस्वामी रिलेटेड टू विद स्पोर्ट हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करें वेरी फेमस है इनका आखिरी मैच हुआ था दैट इज़ क्रिकेट से बिलोंग करते हैं हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली दैट इज़ ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों वेन इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एस में पूछा है बैंकिंग में पूछा है स्टेट एग्जाम्स में पूछा है वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया ट्वेंटी सेवेंथ सेप्टेम्बर ओके नॉट डी इट्स ऑप्शन बी रिसेंटली हु हैज़ बिन गिवन द फिफ्टी सेकंड दादा साहेब पालके अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें दैट इज़ ऑप्शन भी होगा दोस्तों आशा पारेख जी को दिया गया है इसलिए आपने कवर पेज में भी देखा होगा उनका उनकी जो फोटो है राइट हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया देन ऑप्शन डी दिलीप टिरके हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव बहल ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों who has recently become the youngest Indian to become the owner of thousand crore of assets. Then option C होगा दोस्तों कायवलिया वोरा. इसका जल्दूद app has been developed by which country? That is option C होगा दोस्तों Minister of Rural Development. Next on whose birth anniversary Anto Daya Day is celebrated every year on 25th September? All over India की बात करें तो option भी होगा दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय. नेक्स्ट वेन इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन सी हो गया ट्वेंटी थर्ड सेप्टेबर एंड इन विच सिटी डिट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनागरेट एच ए एल इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजिन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनाग्रेट किया गया है दैट इज ऑप्शन डी बैंगलुरु में दोस्तों चलिए रिसेंटली स्वच्छ टॉय टॉयकथॉन कॉम्पिटिशन हैजबिन स्टार्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स

नेक्स्ट रिसेंटली द फेमस पर्सन राजू श्रीवास्तव हैज पास वेट द एज ऑफ फिफ्टी एट तो एक कौन थे दोस्तों वेरी फेमस कॉमेडियन थे बहुत दुख हुआ है जब इनकी न्यूज़ निकल कर आई थी राइट हैज़ बिकम द सेवेंटी सिक्स ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया रिसेंटली ऑप्शन डी हो गया दोस्तों प्रणव आनंद एलविस अली हजारी का द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग्स टू विच स्टेट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है असाम दोस्तों विच स्टेट हैज़ लॉन्च सी एम द हाई सी वेब पोर्टल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया मणिपुर एंड विच फिल्म हैज़ एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर टू ऑप्शन डी हो गया शेलो शो ठीक है शो नेक्स्ट रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड टू स्पोर्ट हैज पासड अवे एट द एज ऑफ 93 की बात करें तो दैट इज ऑप्शन ये हो गया दोस्तों टेनिस से बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली प्लेयर रिलेटेड टू विद स्पोर्ट रॉजर फेडर हैजनाज रिटायरमेंट तो टेनिस से बिलोंग करते हैं ऑन विच डेट नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फोर्टीन को विच मेल क्रिकेटर हैज बिन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त 2022 की बात करें तो ऑप्शन सी सिकंदर रजा है जिम्बॉम्बे के एंड अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि सिक्सटींथ अटॉर्नी जनरल है ऑप्शन डी आर वेंकट रमनी रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम की बात करें द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है एच बैंक विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू अस्थाना तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कजाकिस्तान विच कंट्री विल होज द क्रिकेट वुमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो बांग्लादेश हो गया इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राई लेटर फॉरिन मिनिस्ट्री मीटिंग बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड यू एज़ बिन हेल्ड तो कौन सी कंट्री में हो ऑप्शन सी यू एस ए में हुज़ बिकम द न्यू सी ई ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों संजय खन्ना कौन संजय खन्ना विच टेनिस प्लेयर हैज वोन द मैन सिंगल टाइटल एट द यू एस ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया कैरलास अलकर विच कंट्री विल प्रिड ओवर द्रिक्स इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो गया साउथ अफ्रीका विच स्टेट गवर्नमेंट हेज डिस कैटिल कंट्रोल बिल दोस्तों किसने यह डिसीजन लिया था द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गुजरात विच गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हेज लॉन्च इंदिरा गांधी सहारी रोजगार योजना की बात करें तो ऑप्शन बी राजस्थान दोस्तों नेक्स्ट रिसेंटली विच क्रिकेट टीम हैजन द एशिया कप 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्रीलंका एंड हुज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें ऑप्शन भी होगा दोस्तों वॉलकर तुर्क ओके वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच इज रिलीज बाई यू एन डी पी रीसेंटली देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन थर्टी सेकेंड दोस्तों

ऑप्शन डी चाइना में मनाया गया है इंडियन आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ 2023 टू एरिया देन ऑप्शन इज सदरन कमांड द साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति विच द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट द करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन डी सी एस आई आर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फोर मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें देन द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी बजरंग पुनिया एंड विच कंट्री हेज़ एमर्ज एज द लार्जेस्ट बायोलेटर लैंडर टू श्रीलंका की बात करें देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ये हो गया इंडिया दोस्तों फॉर द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री विच इंडियन सिटी हैज़ बिन नेम्ब एज एस सी ओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो गया वाराणसी इन विच नेशनल पार्क चीता है प्रोजेक्ट चीता वो थी न्यूज में रहा है

आई थिंक आपको थोड़े पटाखों की आवाज़ आ रही होगी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं ओके सो वो हैज़ बिकम द न्यू किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ऑप्शन ये होगा दोस्तों प्रिंस चार्ल्स टू ओके सो इवन दो मैंने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर चुके हैं बट तो ऑब्वियसली आप जानते हैं त्यौहार है राइट right? तो खुशियाँ तो रहती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिन इस्टेब्लिश तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुल्हाँ दोस्तों नेक्स्ट वेदांत पटेल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज द हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन की बात करें ऑप्शन भी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है चलिए हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जी हां दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन डी कल्याण चौबे आफ्टर विच इंडियन सिंगर रिसेंटली स्ट्रीट इन कैनेडियन सिटी ऑफ मार्केम हैज बिन नेम्ड देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ए आर रहमान दोस्तों ग्रीन फिंस हब ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल मेरी टाइम टूरिज्म इज़ एसोसिएटेड विथ विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सही जॉब है इसका ऑप्शन सी होगा यू एन ई पी नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बिन स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी होगा गया आंध्र प्रदेश एंड हुज बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कौन बने हैं ऑप्शन सी गौतम अदानी द यूनाइट स्टेट हैज़ अनाउंस ए न्यू सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर आर्म्स पैकेज फॉर विच कंट्री Uh, पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन भी होगा दोस्तों यूक्रेन इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट हूज बर्थ एनिवर्सरी देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होगा एम विश्वेश्वरैया हाउ मेनी सेलिब्रिटीज हैव रिसीव्ड रामन मैक्स अवार्ड फॉर द ईयर 2022 की बात करें तो ऑप्शन बी फोर दोस्तों हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन ऑरिजिन मल्टीनेशनल कंपनी स्टारबक्स कौन बने हैं ऑप्शन सी लक्ष्मी नरसिम्हन इन विच यूनियन टेरेटरी इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल हैज बिन लॉन्च दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी दिल्ली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विस डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दैट इज ऑप्शन डी हो गया वसुधा गुप्ता जी वेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ऑप्शन ये हो गया सेकंड सेप्टेंबर विच इंडियन ब्यूटी रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ मिस दीवा यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें ऑप्शन डी हो गया दिविता रॉय बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दिक्सटी सेवन फेर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन भी होगा दोस्तों रनवीर सिंह के वेरी इंपॉर्टेंट है कॉल इन डी ग्रैंड होम द प्लेयर ऑफ विच कंट्री हैज रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑप्शन सी हो गया न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं ऑन विच डेट नैशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन भी हो गया ट्वेंटी इन विच इंडियन इंडियाज फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इन विसुअली है, वो, तो है, है भोपाल, प्रदेश में, इंडिया का पहला रीजनल नेशनल किया गया है नेक्स्ट टू इन की बात करें ऑप्शन डी है दोस्तों महेंद्र शाह ज बिन ओटेड मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर एट दू एफ एवॉ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें दट इज ऑप्शन सी हो गया करीम बेनसिमा रिसम दर्स्ट इंडियर फीमेल रेजलर टू विन टू मेडल्स इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों विनेश फोगाट आफ्टर होम इज अबिथू मिलिट्री कैम्प नेम दैट इज ऑप्शन डी हो गया जनरल बिपिन रावत विच स्टेट है स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम की बात करें दट इज ऑप्शन ये हो गया दोस्तों तमिलनाडु विच प्लैनेट डिसअपियर फ्रॉम साइट ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स ऑन सेप्टेबर फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी यूरनस हो गया दोस्तों इंडिया हज डिस टू इन्वाइट विच कंट्री एज ए गेस्ट ड्यूरिंग द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन डी हो गया बांग्लादेश इन विच एयर इंडिया विल होस्ट जी ट्वेंटी समिट की बात करें दैट इज ऑप्शन सी हो गया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन विच स्टेट लॉन्गेस्ट रबर डैम हैज बिन रिसेंटली दैट इज़ ऑप्शन है बिहार हो गया दोस्तों विच इंडियन सिटीज़ हैव जॉइंट यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ओके okay, दोस्ट मार्क इसको दूंगा मैं ऑप्शन सी दैट इज़ वरंगल हो गया जिसके तेलंगाना में है त्रिसूर केरला में है नीलम्बुर यह भी केरला में है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट विच स्टेट विल होज द मिन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है ओडिशा हो गया दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड कप है मिन्स हॉकी का हो मैनी स्टेट्स विल कांग्रेस पार्टी रन द भारत जोड़ो यात्रा ओके बारह स्टेट्स से गुजरेगी है जो भारत जोड़ो यात्रा है इन विद स्टेट इंडिया फर्स्ट बयो विलेज हैज़ बिन एस्टेब्लिश दोस्तों ऑप्शन सी त्रिपुरा इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपन इन विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें ऑप्शन बी हो गया दोस्तों लद्दाख हुज़ बिन इलेक्टेड एज फिफ्टी सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम की बात करें दैट इज ऑप्शन है लीज ट्रस्ट

तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत बायोटेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइजड देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों गुजरात इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यू ऑफ क्रैब नेम घतियाना दिवर हैज बिन डिस्कवर्ड तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन ए कर्नाटक इन विच कंट्री हैज़ बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग द यूनाइटेड किंगडम नथिंग बट इंडिया विच इंडियन कंपनी हैजंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात की बात करें ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैजील्ड द न्यू फ्लैग फॉर विच आर्म फोर्सेस की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया इंडियन नेवी ठीक है चले नेक्स्ट विच स्टेट हैज लॉन्च रूरल बैक कैट पिग्री योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो किसने लॉन्च किया है यह ऑप्शन है मेघालय ने विच टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सुपर फोर स्टेज इन एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन ऐ अफगानिस्तान हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दिक्कसटी सेवंथ फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें दैट इज ऑप्शन डी हो गया सुभाष घाय विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें ऑप्शन बी कोलकाता दोस्तों हुज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड कैडेट जूरो चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लिंथॉय छनम बैम इन इनवी स्टेट हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनग्रेटेड इंडिया का पहला गुजरात दोस्तों की बात करें तो ऑप्शन डी uh, तो हो गया उदय उमेश ललित जिसे हम यूयू ललित के नाम से भी आप जान सकते यूयू यल नेक्स्ट हुन द मेन्स एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ बीडब्ल्यू एफ ओल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर एक्सलसन एंड एखने यामागुची ओके सो अभी यू यू ललित साहब के बाद जो फिफ्टीथ चीफ जस्टिस का है उसके लिए भी रिकमेंडेशन आ चुके हैं दोस्तों ओके डी वाई चंद्रचूत को रिकमेंड किया गया है गवर्नमेंट को देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट वेन इज़ अ वूमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स अगस्त दोस्तों हु हैज़ बिन अवॉर्डेड एज अ यूनिस्को पीस प्राइज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी एंजेला मेडकल हाउ मेनी टीचर हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 की बात करें तो ऑप्शन ए 46 ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर द बुक न्यू इंडिया वाज रिलीज्ड तो इसका सही आंसर है दैट दैट इज इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों अरुण जेटली साहब सो विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज साइंड ए कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर टू रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किसके साथ हम लोगों ने साइन किया है बांग्लादेश के साथ दोस्तों सीनियर लीडर हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफ इंडियन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें देन द करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो गया गुलाम नबी आजाद वेयर वॉज द एट इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली देन द करेक्ट आंसर विल बी दट इज ऑप्शन डी हो गया हु हैज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफिशियल नेशनल टीम स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फेयर प्ले न्यूज ज बिन अपॉइंटेड एज एंटीरियम कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो वी वी एस लक्ष्मण साहब हु अवार्डेड द लिबर्टी मेडल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू किस को दिया गया है ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेज इनागरेटेड होमी बाबा ओके कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट कौन से सेंटर में इसको इनाग्रेट किया गया है ऑप्शन है पंजाब अंडर विच कैटेगरी बांग्लादेश ऑरिजिन फाहमिदा अजीम हैज ओन द पुलटर प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉमेंट्री में जेम्स वेफ टेलीस्कोप हैज रिसेंटली कैप्चर्ड न्यू पिक्चर ऑफ विच प्लैनेट ऑप्शन बी जुपिटर विच कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी हो गया पुर्तगाल इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी दैट इज ऑप्शन डी उत्तराखंड हो गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट सो विच फोक डांस हैज़ बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इनटैंजेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए गरबा इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एस सी ओ विल बी हेल्ड दैट इज ऑप्शन सी उजबिस्तान इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज हैजिन अनवील्ड इन विच सिटी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी पुणे हो गया चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किसके नाम पे अभी रखा गया है ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह दोस्तों इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप आर टी पी सी आर किट टू तो टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स डिसीजेस हैज़ बिन डेवलप बाय विच कंपनी तो ऑप्शन भी हो गया ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स सो so व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें ऑप्शन है आई एन विक्रांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका लॉन्च बहुत बड़े पैमाने में हुआ था दोस्तों हाउ मनी मेडल्स हैज द इंडियन रेजलिंग टीम ओन इन द अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसको जो सही जवाब है ऑप्शन है सिक्सटीन ओके सो नेक्स्ट इन विच कंट्री वॉज अल वॉरफेयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो हुआ था ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया में सैयद सिपते राजी हू डाइड ऑन ट्वेंटी यानी टू जीरो बीस अगस्त को सर्व एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट कौन से स्टेट के गवर्नर थे Uh, ये आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन है झारखंड हुम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन गोल्ड इन अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया अंतिम फंगाल दही हंडी इज रिक्नाइज एज ऑफिशियल स्पोर्ट इन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों महाराष्ट्र विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी गोवा हो गया दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर यस जयशंकर हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है पैरोगे इनविस सिटी इंडिया का पहला डबल डेकर ए सी इलेक्ट्रिक बस हैज़ बिन अनवील्ड दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी मुंबई विच लीडर हैज़ नॉट बिन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें दैट इज ऑप्शन सी नितिन गडकरी इन विच सिटी इंडिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया हैज़ बिन डेवलप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का पहला डी प्रिंटेड कॉर्निया है दोस्तों ऑप्शन भी हो गया हैदराबाद इन इन्वेस्ट स्टेट विल द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड स्टील स्लैग रोड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश विच कंट्री हेज साइंड सेवन फिफ्टी बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इन्वेस्ट सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर द स्टार्टअप्स दैट इज ऑप्शन सी बैंगलोर मंथन मंच हैज बिन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वॉट परपज दोस्तों ऑप्शन है कोऑपरेशन इन आर एंड डी सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी अगस्त अगस्ट हैज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजीव गांधी विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ लॉन्च डिजी यात्रा प्रोग्राम फॉर अगस्त 18 2022 की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैज़ गिफ्टेड द डॉनियर मैरिटाइम ओके एयरक्राफ्ट विच नेबरिंग कंट्री की बात करें तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका सो हु हेज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर द सीनियर सिटीजन्स की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी रतन टाटा विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशिएटिव की बात करें तो ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेक्स्ट स्कूल क्लिनिनेस एजुकेशन प्रोग्राम इज एन इनिशियेटिव लॉन्च्ड इन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन बी हो दोस्तों उत्तराखंड एंड विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव ओमिक्रॉन ओमनिक्रॉन वैक्सीन की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया यूनाइटेड किंगडम विच ऑर्गेन ऑन द एकेजेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्राम द अर्थ इंडियन नेशनल फ्लैग इज हॉस्टेड थर्टी किलोमीटर अबोव दैट इज ऑप्शन हो गया स्पेस किट्स इंडिया अगस्तमले रीजन ऑफ विच स्टेट हज बिन डेजिग्नेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हज अ फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट ऑप्शन डी हो गया दोस्तों तमिलनाडु हु गिवन द हाइस सिविल ऑनर ऑफ द फ्रांस शवालियर डी लॉ रिजन डी ऑनर रिसेंटली तो ये किसको मिला है ऑप्शन सी हो गया दोस्तों शशि थरूर जी को मिला है बायोलिट्रल एक्सरसाइज उदर शक्ति इज बींग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑप्शन डी हो गया मलेशिया विच इंटरनेशनल यूथ वेन इज द इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है ऑप्शन ए बारह अगस्त को विच टू कंट्रीज हेव विड्रॉन फ्राम ए कोऑपरेशन ग्रुप फॉर्म बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों लैटविया एंड इस्तोनिया

सो वेन इज द ओल्ड लाइन डे इज सेलिब्रेटेड दट इज़ ऑप्शन सी टेंथ ऑगस्ट को रिसेंटली इन वि स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेज डेडिकेटेड टू जी इथेनलॉल प्लान टू द नेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हरियाणा दोस्तों वेन इज वर्ल्ड बयोफील्ड डे सेलिब्रेटेड तो ऑप्शन भी हो गया टेंथ ऑफ अगस्ट एंड इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो विल बी नॉगरेटेड इन विच सिटी दैट इज़ ऑप्शन बी कोलका सो वेन विल भी द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो भी हेल्ड इन गुजरात की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी अक्टूबर 2022 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बीन रीनेम्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हाउ मनी मेडल्स इंडिया वोन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स टू हेल्ड इन बर्मिंग ये आपको uh, पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर है मोदी रिसेंटली इट एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल कहाँ पे इनाग्रेट किया गया फरीदाबाद हरियाणा में दोस्तों परवास या परवास मार्केट लिंकेज स्कीम हैज बिन लॉन्च बाय विच यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर वालों ने लॉन्च किया है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी हैज़ बिकम द फर्स्ट व्यूमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन दैट इज डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सी विच इंडियन स्टेट अपॉइंटेड इंडिया एज इट एडवाइजर जी हाँ ऑप्शन भी हो गया उत्तर प्रदेश दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज द इंडियन कंटीजेंट वोन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें देट इज ऑप्शन सी ट्वेंटी टू हू हैज बिन इलेक्टेड एज द फोर्टींथ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों फोर्टींथ वाइस प्रेजिडेंट किस को बनाया गया है ऑप्शन भी जगदीप दंकर जी को देर वॉज अ फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन इंडिया क्लीन एयर समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो गया बेंगलुरु कर्नाटका बिटवीन विच टू सिटीज इंडिया आकाशा एयर्स फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बिन इनागरेटेड दोस्त ऑप्शन डी हो गया मुंबई टू अहमदाबाद अंडर अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस बड़े चलो कैंपेन हैज बिन स्टार्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है सो द मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हैज़ बीन ऑर्गेइज विथ इंडिया एंड विच कंट्री की बात करें तो ऑप्शन सी यू एस ए हो गया दोस्तों विच एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेट्री इन इंडिया हैज़ बिन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनिस्को ये पूछा जा रहा है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्री विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स फिफ्टी के जी बॉक्सिंग कटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है निखत जरीन

एंड रीसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर कौन से सिटी में बनाने की बात की गई है ये ऑप्शन सी लखनऊ हो गया दोस्तों विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट एजुकेशन टाउनशिप कौन सी एजुकेशन के लिए एक टाउनशिप बनाया जा रहा है तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में रिसेंटली वो हेज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन य हो गया दोस्तों देवशीष मोहंटी विच कंट्री has अगेन ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हो गया साउथ कोरिया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया has बिकम द फंक्शनली लिटरेट फंक्शनली लिटरेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है ऑप्शन बी मांडला मध्य प्रदेश की रिसेंटली सैयद सिपते राजी was अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट हैज़ passed away द एज ऑफ एटी थ्री दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड और आसाम के थे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले यू एफ आ चैम्पियंस लीग की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनीषा कल्याण विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट ए लॉ फॉर फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी स्कॉटलैंड ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी नाइनटीन अगस्त एंड वेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटर डे सेलिब्रेट एवरी ईयर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों नाइनटीन आगस्ट विच कंट्री प्लेयर केविन ओ ब्राइन हैज़ रिटायर फ्राम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन सी आयरलैंड हो गया दोस्तों ठीक है okay. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन विच डेट ओल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थर्टीन अगस्त हो गए हु हैज़ बिन अड जज बाई ए आई डब्बू एफ फॉर मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सीजन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सुनील छेत्री विच कंट्री हेज रिसेंटली स्टार्टेड इस फर्स्ट सर्विस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो ऑप्शन डी जर्मनी एंड इसरो सक्सेसफुली पुट थ्री सैटेलाइट्स कितने टोटल तीन सेटेलाइट ऑफ विच कंट्री इनटू स्पेस ऑर्बिट विद पी एस सी फिफ्टी की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों सिंगापुर हुजीन अपॉइंटेड एज अ फोर्टी नाइन्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो जस्टिस यू यू ललित साहब एंड विच मेल क्रिकेटर एज रिसेंटली रिलीज द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन प्रभत जयसूर्या श्रीलंका के दोस्तों विच ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ़ मिस इंडिया यू एस की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया आर्या भलवेकर एंड विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन एट्थ अगस्त 2022 की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो गया दोस्तों एटीथ ओके कितना अस्सी हो चुके हैं सो विच चेस प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकम द सेवेंटी फिफ्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी हो गया वी प्रणव हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी आई सी एस आई आर की बात करें देन ऑप्शन सी होगा दोस्तों नाला तंबी कलाई सेल्वी सो वेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी सेवंथ आगस्ट रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डेवलप ए संस्कृत ग्राम इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है उत्तराखंड दोस्तों रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हेज अनाउंस टू बिल्ड ए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी हो गया मध्य मध्यप्रदेश रीसेंटली वो हेज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स की बात किया जाए तो ऑप्शन डी होगा जो श्वेता सिंह इट हैज बिन अनाउंस टू क्रिएट ए सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल नो वॉट विल बी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन भी हो गया थर्टी सो हुम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट सेमी कंडक्टर पॉलिसी जी हाँ करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी गुजरात रिसेंटली वसीफा नजरीन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री टू कॉन क्वर के टू की बात करें तो ऑप्शन है बांग्लादेश एंड हुज बिकम द हाइस्ट पेड एफ एम सी जी सी ओ रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सौगत गुप्ता फॉर हाउ मेनी मंथ्स बांग्लादेश फास्ट बॉलर शाहिद इस्लाम हैज बिन बैंड बाय आईसीसी फॉर कमिटिंग डोपिंग वायलेशन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी दस महीनों के लिए हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली देन ऑप्शन ए ब्रिजेंद्र कुमार सिंगले नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट इन जैवलिंग थ्रो इवेंट इन द वर्ल्ड एथलीट्स विच मेडल डिड ही विन तो गोल्ड मेडल ही इन्होंने जीता है दोस्तों सॉरी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है ये वर्ल्ड एथलीट्स की बात कर रहे हैं सो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैटेड मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी जापान के साथ दोस्तों हु हैज बिन अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन भी हो गया इंद्रमित गिल जी को बनाया गया है चलिए नेक्स्ट हु हैज बिन गिवन द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर द फिल्म इन सिक्सटी एइट नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिसेंटली की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश ओके हु हैज रिसेंटली वन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू टॉर डे फ्रांस टाइटल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया जॉनस वीगॉट ड्रोन स्टार्टअप गरोड़ा एयरोस्पेस हैज स्टार्टअप विथ हिल्से ग्लोबल ओके टू सेटअप इट्स फर्स्ट एयरोस्पेस प्लांट इन विच कंट्री की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी होगा दोस्तों मलेशिया विच स्टेट हैज़ रीसेंटली एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन की बात करें तो ऑप्शन बी तमिलनाडु कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट दैट इज़ छब्बीस जुलाई को बनाया जाता है एंड रीसेंटली हुज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू गेट हर घर जल स्कीम सर्टिफाइड दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश रीसेंटली हु अपॉइंटेड एज ए न्यू सी ई ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी रविंद्र ठाकर जी ठीक है सो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिप्लेसिंग रनिल विक्रम सिंघे की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दिनेश गुनावर्दी ने रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश सो इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ट्वेंटी सेकेंड जुलाई दोस्तों

इन्वेस्टेट इंडिया का पहला डिजिटल लोक अदालत हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी राजस्थान एंड सी गार्डियंस मेरी टाइम एक्साइज वॉज ऑर्गेनाइज बाई चाइना एंड विच कंट्री ये आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों पाकिस्तान विच आई टी कंपनी विल अक्वायर डेनमार्क बेस्ड लाइव साइंस फॉर वन टेन मिलियन यूरोज की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन बी इन्फोसिस हु एज़ बिकम द न्यू एम डी एंड सी ओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान विथ सिक्योरिटी फोर्स एज रिसेंटली रिकॉर्ड नार्कोटिक प्रोडक्ट्स ओके सेवन टू टेन करोड़ अंडर ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स दोस्तों विथ स्टेट टॉप्स द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू रेशन शॉप्स दैट इज ऑप्शन डी हो गया उड़ीसा

वेन इज़ अ वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैट इज ऑप्शन बी हो गया जैसे सेवनटीन जुलाई को मनाया जाता है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर बांग्लादेश इन इंडिया ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुस्तफ़िर रहमान एंड अकॉर्डिंग टू the टाइम आउट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंडेक्स ओके विच कंट्रीज कैपिटल इज़ अ बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ये आपको पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी स्कॉटलैंड So which country celebrate 14th july every year as a national day which is also known as Bastille day Option D is France And which institute has made a tool named Pivot to detect genes responsible for cancer That is option A IIT Madras What is the rank of India in the recent released global gender gap report for the year 2022 If option B is 135th And which has become the first state to implement the center's new education policy in the primary education ki baat kare. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन विच कंट्री टू सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मारबर्ग वायरस डिसीज आर रिपोर्टेड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए खाना सो विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड ए हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट नेम्ड लक्स जेप्लिन टू डिटेक्ट डार्क मैटर इन द यूनिवर्स देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों अमेरिका ओके सो इन विस सिटी डिट यूनियन माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी नॉगरेटेड सिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन mines एंड मिनरल्स uh, की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों दिल्ली एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अप्रूव्ड मीना हेमाचंद्रा एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन भी हो गया दोस्तों करूर वैसा बैंक विच मेल प्लेयर हैज़ रिसीव्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड फॉर द जून टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है जॉनी बेर स्टाव ओके नेक्स्ट विच इंडियन हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया पल्लवी सिंह विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वोन द मेन सिंगल टाइटल एट वेम्बलडन टू की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नोवाक चिकोविक ऑन विच डेट ओल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन है इलेवेंथ जुलाई हो गया एंड विच लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया हैज़ हेज़बिन अपॉइंटेड एज न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन द साउथ सूडान तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन है मोहन सुब्रमण्यम दोस्तों हुआज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें mm, तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी सीनी शेट्टी हो गया रिसेंटली यार लैपिथ हैजिकम दोर्टींथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी इज़राइल हो गया दोस्तों विच फिजूटी बिजनेस मैन हैज़ रिसेंटली बी सेंटेंसड फोर मंथ्स इन जेल बाई सुप्रीम कोर्ट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन कंटेम केस रिलेटेड टू हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोर्ट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी दोस्तों विजय माल्या नेपाल हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसका जो सही जवाब है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडिया दोस्तों रिसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात किया जाए देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन है टी राजा कुमार एंड विच मेडल हेज वोन बाय द अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इंटर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन है गोल्ड मेडल दोस्तों हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ गेल रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी संदीप गुप्ता रिसेंटली केतानजी ब्राउन जैक्सन हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री दैट इज ऑप्शन डी हो गया अमेरिका की सो वेन इज अ नेशनल नैशनल स्टेटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब मनाया जाता है ट्वेंटी नाइन्थ जून को एंड हु हैज बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी जी को सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य स्किंडिया वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संजीव पुरी दोस्तों हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो ऑप्शन डी नितिन गुप्ता एंड रिसेंटली हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू टेक विकेट इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हार्दिक पांड्या नेक्स्ट विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ रंजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार इन्होंने जीता है तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश दोस्त याद रख लीजिए मध्य प्रदेश वालों ने पहली बार जीता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ओला फाइनेंशियल सर्विसेज तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन पॉइंट सिक्स सेवन करोड द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू ऑनर फॉमर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे विद सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रेसाथीम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए जापान दोस्तों रिसेंटली पप्रजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क हैज लॉन्च एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रिलीज हाउ मेनी रेड पांडास इन टू द वर्ल्ड इन अबाउट फाइव ईयर्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ट्वेंटी दोस्तों अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ओवर चाइना टू बिकम ओल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दें द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए इंडिया हो गया एंड हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें तो ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मिशन खुशकर्मी योजना की बात किया जाए तो ऑप्शन सी दिल्ली हो गया एंड वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन डी 12 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों इन विच कंट्री वॉज अ वर्ल्ड पीस फोरम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों चाइना इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर हिट हाउ मेनी फोर्स इन मेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों थ्री हंड्रेड इंडिया हज़ प्रोवाइडेड मोर देन फोर्टी फोर थाउजेंड टन्स ऑफ यूरिया अंडर लोन फैसिलिटी टू विच कंट्री विच इज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों श्रीलंका है सो विच फॉर्मर सी ओ ऑफ द तिंग टांग नीति आयोग वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया न्यू शर्पा हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर जी ट्वेंटी की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन अमिताभ कांत दोस्तों सो विच हैज़ बिकम द फस्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एक्सप्रेस वे तो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन भी होगा जैसे उत्तर प्रदेश एंड विच प्राइम मिनिस्टर विच फॉर्मर प्राइम ऑफ जपानज डाइड आफ्टर बींग शॉर्ट वेल डिलीवरिंग अ स्पीच इन द सिटी ऑफ नारा तो इनका आंसर है एक ऑप्शन भी सिंजो अबे बहुत चौंका देने वाली न्यूज़ थी दोस्तों द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ रिड्यूस द गैप ऑफ बूस्टर डोज फ्राम नाइन मंथस टू हाउ मनी मंथ्स फॉर पीपल अबाउ एटीन ईयर्स ऑफ एज uh, की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों सिक्स मंथ्स फ्रॉम विच मिनिस्ट्रियल पोस्ट एज मुख्तार अब्बास नकवी रिजाइंड तो ये पहले जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे अभी इसका एडिशनल चार्ज स्मृति ईरानी जी को दिया गया अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ओके चलिए विच कंट्री एज साइन एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी रशिया हो गया इन विच कंट्री द गवर्नमेंट एज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी द फाइव नॉर्दर्न रीजन अराउंड पोर रिवर इन द वी ऑफ सीवियर ड्रॉट इन द कंट्री की बात करें तो ऑप्शन भी इटाली हो गया दोस्तों इनविस्ट स्टेट साइंटिफिक काय छटनी सबमिटेड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा रिसेंटली द पीपल ऑफ विच स्टेट है Recently, so तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा एंड द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज़ बिन फ्लैग्ड ऑफ फ्राम विच रेलवे स्टेशन तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सफदरगंज रेलवे स्टेशन नेक्स्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द फर्स्ट केम्पे गोड़ा अवार्ड टू एस एम कृष्णा एस आर नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पड़कुन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी होगा दोस्तों कर्नाटका विथ स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मेडिकल इंश्योरेंस की मेडिसेप स्कीम फॉर द स्टेट एम्प्लॉय पेंशनियर्स की बात करें तो ऑप्शन बी केरला हो गया एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ़ द एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट The committee of administrator appointed by Supreme Court recently. Correct answer is option D. Ranjit Bajaj. Which state has been ranked first in Asia in the recently released Global Startup Ecosystem Report? In the affordable uh, talent ki baat kare. That is option A. Kerala. And according to the report of World Gold Council, which of the following has India ranked in the global gold recycling ki uh, baat kia Uh, तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी होगा दोस्तों फोर्थ ओके चलिए नेक्स्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च नारी को नमाम नमान स्कीम फॉर द वुमेन ऑफ द स्टेट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए हो गया हिमाचल प्रदेश इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बिन फुल्ली कमीशन बाय एन इन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन डी तेलंगाना हो गया दोस्तों इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे

वॉट हैज़ बीन रीनेम्ड हज़ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी संभाजी नगर दोस्तों सो अकॉर्डिंग टू द क्यू एस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच इज हाइएस्ट रैंक सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मुंबई विच मेडल हैज़ बिन ओवन बाय द दीपक पुनिया इन द अंडर ट्वेंटी थ्री एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिशक किर्गिस्तान की बात किया जाए दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल

तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ईरान हो गया दोस्तों नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वहीकल मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी केरला एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की बात करें ऑप्शन ए वन रैंक दोस्तों एंड व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ इंडियाज मैंस फुटबॉल टीम इन द रीसेंटली रिलीज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो गया दोस्तों वन रैंकिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी डिनकर गुप्ता जी विद स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव 3700 थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया आंध्र प्रदेश एंड हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन रिसेंटली की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है विजय अमृत राज सो रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ट्वेंटी सेवंथ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट दोस्तों देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए अमजद एहतशाम सैयद को बनाया गया नेक्स्ट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट तो इसका जो सही जवाब है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए राजस्थान रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नशनल एमएसएम अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी उड़ीसा हो गया पासपोर्ट सेवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे जी हाँ पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शन बी हो गया ट्वेंटी फोर्थ जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड जून अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विच इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे आप रह सकते हैं तो ऑप्शन है बेस्ट सिटी जो बता रहा है वियना है दोस्तों नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कॉल मेडिसेप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स की बात करें उनके लिए निकाला गया है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट जी हाँ रीन्यूबल एनर्जी रिक्वायरमेंट देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली विच कंट्री हेज सक्सेसफुली लॉन्च नूरी रॉकेट दोस्तों नूरी रॉकेट किसने निकाला है लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने ओके डोंट कन्फ्यूज विद द पाकिस्तान पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो बाबर मिसाइल है ठीक है सो इन विच कंट्री द फोटी एट जी सेवन समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेनाइज तो फोर्टी एट ओके अड़तालीसवा जो जी सेवन समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज uh, किया गया है जर्मनी में विच कंट्री हैज़ स्टॉप द एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विद ट्वेंटी सेवन मेडल्स देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है जापान दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैजंस टू रिजर्व वॉट परसेंटेज ऑफ जॉब फॉर अग्निवीर आफ्टर फोर ईयर्स ऑफ सर्विस की बात करें तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी टेन परसेंट दोस्तों विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज बिकम द सेकेंड क्रिकेटर इन द ओडिया हिस्ट्री टू बॉर नाइनटी नाइन रन तो ऑप्शन डी हो गया डेविड वॉर्नर विच हैज बिकम द लास्ट डेट इन द कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम की बात करें तो ऑप्शन ए आसाम and which state has won the title of first under 19 T20 national cricket championship organized by Deaf Cricket Association of India की बात करें तो correct answer is का option ही आंध्र प्रदेश who has been nominated by भारतीय janta party for presidential elections की तो correct answer is option T द्रौपदी मुर्मू जी and which Indian Institute of Technology has developed a robot to clean septic tanks दोस्तों तो इसका जो सही जवाब है uh, that is option D हो गया okay IIT Madras ठीक है विच स्टेट गवर्नमेंट एज रिसेंटली लॉन्च इन्नम एजुथाम योजना की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका दट इज ऑप्शन बी तमिलनाडु विच कंट्री एज लॉन्च द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान दोस्तों फ्यूजियान किसने लॉन्च किया था तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी चाइना वर्ल्ड सिकल्स सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑप्शन ए नाइनटीन जून को ऑब्जर्व किया जाता है इन विच कंट्री विल द फीफा अंडर सेवनटीन वुमेंस वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज दैन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन सी हो गया इंडिया एंड वॉट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी दोस्तों ठीक है ऑन विच डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज़ सेलब्रेटेड तो ऑप्शन ए हो गया बीस जून को मनाया जाता है एंड हुज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर टी ट्वेंटी फिफ्टी की बात करता है ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर आपको uh, पूछा जा रहा है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ अग्निपथ स्कीम फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर द फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितने साल इंक्रीज किया है ट्वेंटी थ्री ईयर्स दोस्तों विच कंट्री फॉर्मर कैप्टन थर्टी सेवन ईयर ओल्ड विलियम पोटरफील्ड रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड एंड विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड बाई यू एस प्रेजेंट जो बाइडन टू द टॉप पेंटागॉन पोस्ट के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है तो ऑप्शन राधा नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ प्रेस काउंसिल इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई आरती प्रभाकर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री ये इंपॉर्टेंट है इसका ऑप्शन सी हो गया अमेरिका एच एस एन सी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र रिसेंटली uh, की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन भी होगा गया दस टाटा रतन टाटा ओके रिसेंटली हु हैज़ हुजिन अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन देन ऑप्शन सी रबाब फातिमा एंड विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू अबॉलिश कंपल्सरी डेथ पेनाल्टी तो ऑप्शन भी हो गया मलेशिया दोस्तों इन इनविस सिटी इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप uh, किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद हो गया एंड इंटरनेशनल फैमिली डिस्पैच डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों दट इज ऑप्शन सी हो गया दस जून को मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते फ्रेंच पावर कंपनी टोटल एनर्जी विल एक्वायर वाट परसेंट स्टेक इन अदानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन वेंचर ऑप्शन भी हो गया ट्वेंटीड टू रिमूव द स्ट्रिक्टीजा रेस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन इंडियन ड्यू टू कोविड एपिडेमिक की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चाइना हो गया दोस्तों वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे दैट इज ऑप्शन डी फिफ्टींथ जून एंड रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया केरला ने लॉन्च किया है मेडल डिड गुरु नायडू सेनापति विन फॉर इंडिया एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई डब्ल्यू एफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेक्सिको की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों गोल्ड मेडल रिसेंटली हु हैज़ ऑन द गोल्ड मेडल इन अंडर फिफ्टीन एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया अनहता सिंह सो हुज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी परमेश्वरम अय्यर एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो आई के जो नए चीफ वो किसको बनाए गए हैं ऑप्शन डी हो गया दोस्तों तपन डेका एंड विच कंट्री फीमेल क्रिकेटर रोमेली धार हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया हो गया सो हुज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन डी लीसा स्टार लेकर ऑन विच डेट इंटरनेशनल वीडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड जून दोस्तों सो हुम द फर्स्ट उमेन बैच ऑफ इंडिया टू क्लियर एनडीए एग्जाम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शन ढाका एंड रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ऑप्शन भी रुचिरा कम्बोज सो विच इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून ओके कौन सा नंबर का इंटरनेशनल डे योगा डे हमने मनाया था एट्थ दोस्तों यहाँ देख लीजिए रिसेंटली गुस्तावो पेट्रो हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोलंबिया

तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए हरियाणा एंड विथ चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो दैट इज ऑप्शन बी हो गया राहुल श्रीवास्तव ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी फोर्टींथ जून एंड अपॉइंटेड एज न्यू एम एंड सी ऑफ आर बैंक की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया आर सुब्रमण्यम कुमार नेक्स्ट इंडिया का पहला कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स हैज बी लॉन्च सो वॉट इज इज नेम ये नाम आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन भी हो गया एनोकोवैक्स ओके विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लिव द बैन ऑन भांग दोस्तों भांग के पर बैन उठा दिया गया है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड ओके चलिए वेन इज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी 12 जून को मनाया जाता है एंड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फार्मुलेटेड ड्रोन पॉलिसी दोस्तों ड्रोन पॉलिसी किसने लेकर आई थी या लेकर आया था जो भी हो तो ऑप्शन बी हो गया हिमाचल प्रदेश ने डिज़ाइन किया था इसको फेमस फीमेल प्लेयर मिठाली राज हेज़ अनाउंसड द रिटायरमेंट फ्रॉम विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑप्शन ए क्रिकेट ऑब्वियसली इनके ऊपर मूवी भी बनी थी शाबाश मीठू के okay, आपने देखा होगा नेक्स्ट वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस बी आई रिप्लेसिंग अश्विनी भाटिया की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आलोक कुमार चौधरी एंड इज द ओल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन भी हो गया एट्थ जून एंड वट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग अमंगी कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल एनविरोनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया वन एटी सो बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल अल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट तो नए चेयरमैन बनाए गए हैं सतीश पाए जी को एंड रिसेंटली बजरंग बेगाज हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज ऑप्शन भी हो गया दोस्तों अल्बानिया ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी हो गया जून एंड हु हैज द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द टू अवार्ड्स 2022 की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों विक्की कौशल जी को मिला था सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस प्लेयर हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी राफेल नडाल एंड रीसेंटली हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं ऑप्शन पी हो गया दोस्तों ये मनी मेघालय ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन विच डेट वर्ल्ड एनवेरॉनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर पाँच जून को मनाया जाता है वेरी फेमस डेट है बहुत बार एग्जाम में भी पूछा ओके द डेली गवर्नमेंट हैोड इन द प्लेस ऑफ वोड हरिजन डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर In which state of India has the world's first liquid-mirror telescope has been installed uh, recently? The correct answer is option C, si Uttarakhand. And which Indian-American student has recently won the prestigious Spelling Bee competition 2022? That is option C, si Harini Logan. Dosto, who has been appointed as new Chief Operating Officer of the Facebook parent company Meta? Meta or COO? Hai. The correct answer is ka, that is option T, si, Xavier Olivian. On which date, Old Bicycle Day is celebrated every year? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों थर्ड जून को रिसेंटली द फेमस पर्सन पंडित भजन सपूरी एज पास अवे एट द एज ऑफ सेवेंटी फोर तो ये कौन थे दोस्तों दैट इज ऑप्शन भी हो गया संतूर प्लेयर एंड हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो गया राजेश घेरा ओके विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड नाइन्थ फाउंडेशन डे ऑन द सेकेंड जून द ऑप्शन ए हो गया दोस्तों तेलंगाना एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल की बात करें then the correct answer is option C हो गया दोस्तों S L on which date World Milk Day is celebrated every year option C first June and recently famous personality Krishna Kumar Kamat has passed away at the age of 53 तो ये कौन थे दोस्तों इनका नाम था ये एक सिंगर थे दोस्तों Which state 35th Foundation Day has been celebrated on 30 May uh, 2022 36th Foundation uh, किसका बनाया जाता है तो इसका जो correct answer है that is option B हो गया गोवा का एंड वेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है ऑप्शन बी थर्टी फर्स्ट मे को ऑन विच डेट हिंदी जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी थर्टी में हो गया एंड विच फेम फिल्म फेमस सिंगर एक्टर सिद्धू मूसेवाला हैज पासड अवे एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन तो ये पंजाबी से बिलोंग करते थे ठीक है यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला नैनोलिक्विड यूरिया प्लान इनागरेटेड रिसेंटली करेक्ट आंसर विल बी ट इज ऑप्शन सी हो गया गांधी नगर गुजरात सो वेन इज अल्ड मेन्स्ट्रल हाइजीन डे सेब्रेटेड एवरी ईयर आंसर विल बी ऑप्शन बी हो गया अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो करेट आंसर इसका ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द बुकर प्राइस इंडियन ऑथर पूछा जा रहा है दट इज ऑप्शन डी गीजली श्री

वेर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड रिसेंटली तो ओडिशा हो गया एंड विच हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट ओन बायोडाइवर्सिटी जी हाँ दोस्तों उनकी खुद की बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पे कोलकाता पे सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 तो इसकी थीम आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन है वेस्ट वेल्थ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड विच इंस्टीट्यूट रिसेब्लिशर कंप्यूटर नेम परमुल परम पुरल Uh, किसने इसको एस्टेब्लिश किया था तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी एन आई टी तिरुचिपल्ली विच यू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनाउंस दैट ही वॉज रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कपिल सिब्बल दोस्तों विच कंट्री एज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रजिस्टर ए केस ऑफ मंकी पॉक्स दैट इज ऑप्शन डी हो गया यू ए and who has been elected as the head of the world health organization recently then the correct answer will be that is option a tedros adram Ghebreyesus. Okay. so who won the best actor award at the 75th cannes film festival held in paris france on may 29 2022 kipat kare to option b is song kang ho so india has slipped to what position in the global travel and tourism development index kipat option b 54 द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडो पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्परिटी इन जापान की बात करें द करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन डी अमेरिका दोस्तों विच ऑर्गेजन ऑनर्ड वन मिलियन आशा वर्कर्स ऑफ इंडिया फॉर दर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए हो गया डब्ल्यू एच एम द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मनी एडिशनल जजेस ऑफ अलाहाबाद कोर्ट हैज़ ए परमानेंट जजेस की बात करें

सो विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड डेफ ओलंपिक्स 2021 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया ब्राज़ील विच स्टेट यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करें दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया दिल्ली नेक्स्ट द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू इंक्रीज द कंपेशन अमाउंट टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर सोल्जर्स फिफ्टी लैक्स टू हाउ मेनी करोड्स तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों वन करोड़ ओके चलिए नेक्स्ट हुज बिन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट टीम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी मैथ्यू मॉट विच कंट्री वॉज ऑफर्ड द यूज़ ऑफ चिटागॉम पोर्ट इन बांग्लादेश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात करें दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इंडिया एंड वट इज़ दीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें दैट इज ऑप्शन ए द पावर ऑफ म्यूजियम दोस्तों सो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑप्शन डी एटीन में

देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फ्रांस ओके रिसेंटली फिनलैंड एंड विच कंट्री आव शोन इंटरेस्ट टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया स्वीडन सो हु हैज बीन सोन इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी मनिका साहा इनका नाम है ऑन विच डे इज़ अ वर्ल्ड अग्री टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी हो गया सिक्सटींथ मे दोस्तों ओके सो विच कंट्री हैज़ बिनलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन एलेक्शन अथॉरिटीज़ फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर की बात करें uh, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हो गया दोस्तों दैट इज़ इंडिया हो गया एंड कैटालिम नोवाक हैज़ बिनलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री ये आपको पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन बी हंगेरी हो गया वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंग्लैंड मेन्स टेस्ट टीम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी मैकलम and recently who has become the first woman officer to join the army aviation corps हैज़ combat uh, aviator तो इसका जो सही जॉब है ऑप्शन डी हो गया अभिलाषा बराक विथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन ट्वेंटी सेकंड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया 250th and recently who has been बिन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ डेली बाई प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करें दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेस Which male cricketer has been awarded the ICC Player of the Month for the April 2022 ki The correct answer is co-option C, si Keshav Maharaj. And when is the International Day of Biodiversity celebrated every year? Then the correct answer is co-option A, 22nd May. And recently, who has been appointed as new private secretary of PM Modi ki The correct answer is co-option B, Vivek Kumar. And recently, Anthony Albanese has become the new prime minister of which country? Then the correct answer is co-option A, Australia. ऑन विच डेट वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों बीस में सो रिसेंटलीम द न्यू सी ऑफ इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी पीटर एल्बर्ट्स एंड हुम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया मेजर स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ऑन विच डेट वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया सेवनटीन में रिसेंटली सन शेख महमूद हैज़ बीन एलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोमालिया एंड रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस दोस्तों ऑप्शन सी हो गया दोस्तों एलिजैथ बॉर्न रिसेंटली इंडिया का पहला अमृत सरोवर वॉज इनागरेटेड बाई मुख्तार अब्बास नकवी इन पटवाई ऑफ विच स्टेट देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो गया यूपी ऑन विच डेट इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन ए हो गया फिफ्टींथ में रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जईद अल नाहन हैजिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच गल्फ कंट्री की बात करें दैन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन ए हो गया यू ए रिसेंटली विच कंट्रीज बैडमिंटन टीम हैजन टाइटल कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया एंड विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर एंड्री साइम पास अवेटली तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है एंड रिसेंटली हु हैज़ वन द टेम्पल टर्न प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो किसने जीता है दैट इज ऑप्शन है फ्रैंक विल्जेक ने जीता है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी निधि चिब्बर दोस्तों हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू सी ई ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया कैम विल्सन

इन विच सिटी इंडिया का पहला बायोगैस पावर ई वी चार्जिंग स्टेशन हैजीन स्टार्टेड रीसेंटली दैट इज ऑप्शन सी मुंबई रीसेंटली फेमस पर्सनैलिटी पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पासड अवे एट द एज ऑफ एटी फोर तो हु वॉज ई दैट इज ऑप्शन ई हो गया म्यूजिशियन एंड रीसेंटली हुज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स अलॉग विद मिड डे स्किल्स की मिड डे मील्स की बात करें तो ऑप्शन है तमिलनाडु एंड वेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेब्रेटेड एवरी ईयर दैट इज ऑप्शन है इलेवेंथ में

तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों महाराष्ट्र एंड वेन इज वर्ल्ड थलासामिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी एट्थ मे को मनाया जाता है वेन इज द मदर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया मदर्स डे कब मनाया जाता है ऑप्शन ए हो गया दोस्तों सेकंड संडे ऑफ मे याद रखीजिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मे के हर सेकंड संडे में मनाया जाता है मदर्स डे रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टी वी एस मोटर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सुदर्शन वेनु ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है इसका दट इज़ ऑप्शन सी हो गया एट्थ में रिसेंटली हुज रिसीव द ओल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो गया सिलजिया रोजन विक एंड विच स्टेट मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन हेज बिन रीनेम एज महेश नगर हॉल्ट तो ऑप्शन ई हो गया राजस्थान ठीक है एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओके टू स्केल माउंट कंचन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दोस्तों प्रियंका मोहिते ओके नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों रॉनी ओ ओके सुलीवियन नेक्स्ट रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वेटलिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट आई डब्ल्यू एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप दैन द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी हर्षदा गरुड विच फुटबॉल टीम हज़ रिस ओन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो कौन सी टीम थी जिसने ये ट्रॉफी जीती थी तो ऑप्शन डी केरला रिसेंटली द गर्मेंट ऑफ़ विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मिटान योजना टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू पीपल सिटिंग एट होम करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ एंड वट इज़ रैंक ऑफ इंडिया एन द रिसेंट रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फॉर दियर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वन फिफ्टी एट थी दोस्तों नेक्स्ट ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी थर्ड में एंड वेन इज वर्ल्ड अस्तमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन भी हो गया ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मंथ ऑफ में ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली वो हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो उनके नए एडवाइजर कौन बने हैं तरुण कपूर इनका नाम है विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया नंदमूल चंदानी एंड विथ टू स्टेट सेलिब्रेटेड दर फाउंडेशन डे ऑन फर्स्ट में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन है गुजरात एंड महाराष्ट्र हो गया दोस्तों रिसेंटली विथ स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप ए जीन बैंक प्रोजेक्ट जीन बैंक प्रोजेक्ट तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र ऑन विच डेट इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया ऑन फर्स्ट में रिसेंटली हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दैट इज़ लेफ्टिनेट जनरल बी एस राजू एंड वेन इज वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है थर्टी अप्रैल दोस्तों एंड रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू यूज़ गगन टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी हो गया इंडिगो ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई हैज़ पासड अवे एट द एज ऑफ एटी एट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए मेघालय एंड विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ वैक्यूम सीवर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा हो गया दोस्तों नेक्स्ट विथ विच स्पोर्ट फॉर्मर इंडियन फीमेल प्लेयर एलवेरा ब्रिटो एज पासड अवे एट द एज ऑफ एटी वन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हॉकी हो गया एंड विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत रिसेंटली देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों पल्ली जम्मू एंड कश्मीर हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू सी ई ऑ ऑफ नॉन बैंक लेंडर कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो ऑप्शन सी विशाखा मुले एंड हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हो गया जैसे ए पी अब्दुल्ला कुटी एंड हुज़ बीन सेलेक्टेड एज लॉर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापन इनका नाम है ठीक है चलिए फाइव हंड्रेड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी आई थिंक थ्री हंड्रेड मोर टू गो Next year, recently Elon Musk has announced to buy Twitter for how many billion dollars? 44 billion dollars. On which date World Intellectual Property Day was celebrated recently? Then the correct answer will be that is option B 26 April. In West city? Union Minister Anurag Thakur has recently inaugurated the second edition of Khelo India University Games. So option C Bengalur. The President of Ukraine Vladimir Zelensky has demanded the tag of State Sponsor of Terrorism for Russia. फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री दैट इज अमेरिका दोस्तों वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज सिपरी रिपोर्ट फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी थर्ड ठीक है एंड रिसेंटली द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री मवाई की बाकी हैज पासड अवे एट द एज ऑफ नाइनटी की बात करें तो ऑप्शन ए कैनिया हो गया एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग रिसेंटली करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सुमन बेरी सो वेन इज द वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों ट्वेंटी थर्ड अप्रैल एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पी एम मोदी की बात करें तो किसको बनाया गया है दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हो गया अजय सूद रिसेंटली द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज बीना पानी मोहंटी हेज पास अवे एट द एज ऑफ एटी फाइव की बात करें तो ऑप्शन ए उरिया एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज तो जमताड़ा दोस्तों झारखंड जमताड़ा इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी थी राइट ऑन विच डेट ओल्ड मलेरिया डे इज सेलब्रेटेड एवरी ईयर दट इज ऑप्शन है पच्चीस अप्रैल एंड वेन इज नेशनल पीपल्स डे सेबरेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया तो इक्कीस अप्रैल दोस्तों ट्वेंटी वन अप्रैल सो रिसेंटली द प्लेयर ऑफ विच्स टीम कैरन पोलार्ट हेज़ रिटायर फ्राम इंटरनेशनल क्रिकेट द करेक्ट आंसर इज दट इज ऑप्शन बी होगा दोस्तों वेस्ट इंडीज नेक्स्ट है हु हैज बिकम द न्यू कंट्री हेड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो इन इंडिया तो ऑप्शन डी दोस्तों सत्या ईश्वरन हो गया एंड विथ स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश एल रूट सर्वर एट द स्टेट लेवल की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी राजस्थान वेन इज द ओल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन ए ट्वेंटी सेकंड अप्रिल एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ डेली रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी नरेश कुमार दोस्तों इन्वेस्टेड इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड बाई ऑइल तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए आसाम एंड हुज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम डी एंड सी ओ ऑ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए जस्लिन कोहली दोस्तों चले नेक्स्ट रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी विमल कोठारी ऑन विच डेट वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन है नाइनटीन अप्रैल एंड प्रफुल कर हैज पासड अवे एट द एज ऑफ एटी थ्री हु वॉज ही ये कौन थे दैट इज ऑप्शन है लिरिसिस थे दोस्तों नेक्स्ट हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी मनोज पांडे एंड इनविस सिटी इंडिया का पहला रेडियो चैनल फॉर द ब्लाइंड हैज़ बिन लॉन्च नेम रेडियो अक्ष की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया नागपुर विच स्टेट आज सेलिब्रेटेड सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑन फिफ्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश वेन इज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों पंद्रह अप्रैल को विच कंट्री एज रिसेंटली गॉट द होस्ट ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें That is option B, India. Okay. Who has uh, honor, who has won the honor of EY Entrepreneur of the Year 2021? That is option D, Falguli Nair. On which date World Heritage Day is celebrated every year? Then the correct answer is option A, 18th April. And when is World Hemophilia Day celebrated every year? That is option B, Satra so April. Tamil Nadu government has recently announced to celebrate which date every year as a uh, equality. डे uh, की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया फोटीथ अप्रैल एंड वेन इज़ वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सोलह अप्रैल को मनाया जाता है ठीक नेक्स्ट है वेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी फोर्टीथ अप्रैल हो गया एंड विच मेल प्लेयर हैज़ रिसीव ऑनर ऑफ आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाबर आजम दोस्तों हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी जी एंड रिसेंटली शाहबाज शरीफ हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ये पाकिस्तान के बने हैं दोस्तों हुज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर्ड आउट इन आई पी एल क्रिकेट तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन के एंड विच ड्राइवर है यफ वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया चार्लेस लेकल सो विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ओके तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया इक्वेडॉर एंड वेन इज अ नेशनल सेफ मदरुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया एलेवेंथ अप्रैल को एंड हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट लाला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है एंड वेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सो होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है दैट इज ऑप्शन बी होगा दोस्तों दस अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी होगा दोस्तों सेवेंथ अप्रैल को दोस्तों हु हैज़ वन द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड एट दिक्कटी फोर्थ ग्रामी अवार्ड्स की बात करें तो किसने जीता है दैट इज़ ऑप्शन डी होगा दोस्तों ओलि रोड्रिगो जी ने जीता है ओके है नेक्स्ट है रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज हैजोन द मेन सिंगल टाइटल इन द मियामी ओपन 2022 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ये हो गया कैरल अलकराज ओके विच टीम हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ आईसीुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों विकास कुमार हु हैज बीन गिवेन द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर टू की बात करें तो ऑप्शन सी रामदर्श मिश्रा एंड विक्टर ओरबॉर्न बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम दोस्तों चारवीं बार बने हैं ऑप्शन सी हंगेरी एंड हैज वोन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड इन 2022 तो करेक्ट आंसर है दट इज़ ऑप्शन सी हो गया ड्राइव माय कार रिसेंटली प्रमोद सावंत हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर सेकंड टाइम इन ए रो ऑप्शन सी हो दोस्तों गोवा एंड विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली वोन दओमिन सिंगल टाइटल इन स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन भी हो गया दोस्तों पी वी सिंधु विच डे हैज़ बीन अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे नेशनल डॉल्फिन डे तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन भी हो गया फिफ्थ अक्टूबर एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरिन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी हो गया विनय मोहन क्वात्रा हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ नाभ की बात करें यानी बी एच नाप की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों महेश वर्मा एंड हुज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर यस राजू दोस्तों ठीक है हु हैज़ रिसेंटली वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मीराबाई चानू एंड द बर्थडे ऑफ आनंदी गोपाल जोशी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सो शी वॉज हुईज सी शी इज अ इंडियाज फर्स्ट वुमेन डॉक्टर राजस्थान डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये तीस मार्च को मनाया जाता है राजस्थान डे कब मनाया जाता है तीस मार्च को मनाया जाता है ठीक है चलिए विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन है बिकम द न्यू सी ईओ ऑफ अमेरिकन कोरियन सर्विसेज कंपनी फेडेक्स की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों राज्य सुब्रमण्यम वेन वॉज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड फर्स्ट अप्रैल को राइट एंड नेक्स्ट है उसका द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट अप्रैल तो स्टेट का भी उसी दिन मनाया जाता है तो कौन सा स्टेट है उड़ीसा हु हैज़ बिकम द हाइस्ट विकेट टेकर इन आई पी एल क्रिकेट टिल डेट अब तक किसने लिया दोस्तों ऑप्शन डी ड्वेन डेन ने विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट भीम बहादुर गुरुंग हैज़ पासड अवे एट द एज ऑफ नाइन्टी थ्री की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन है सिक्किम इन विच स्टेट इंडिया का फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बिन बिल्ट रिसेंटली देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया गुजरात मेडल इन आलब्राइट द फर्स्ट वुमेन फॉरन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ एटी फोर की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी होगा दोस्तों अमेरिका विच स्टेट हैज़ टॉप अंडर बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश विच ऑर्गेनाइजेशन द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टवॉर्ड्स टू थाउजेंड थर्टी वॉज रिलीज बाई नीति आयोग ओके तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की किताब है जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो गया एफ एओ विच स्टेट जिंक जारी और लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को की बात करें देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है मेघालय इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इज बींग एस्टैब्लिश इन विच कंट्री दोस्तों ऑप्शन तो सी होगा दोस्तों गुरुग्राम इन विच ऑफिस डिवीजन इंडियन रेलवे कमीशन द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया असनसोल In which Indian city, the first road project made up of waste steel, has started to option Yoga Surat and which state has stopped <coughs> Sorry. In Niti export preparedness index 2021 kisne uh, top Kiya That is option. Which Indian state is uh, all set to become uh, first state in the country to introduce carbon neutral farming for better soil health? Then the correct answer is option B Kerala. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ issued वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रलाय मंडल वॉज अपॉइंटेड एज इंटीरियम एम डी एंड सी ओ ऑफ विच बैंक देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सी एस बी बैंक ऑटो फर्स्ट अप्लीकेशन हैज़ बी लॉन्च बाय विच बैंक टू प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एच डी एफ सी बैंक इज टोटल लिमिट ऑफ यू पी आई लाइट बैलेंस फॉर ऑन डिवाइस दोस्तों

इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हैज़ बिन डेवलप बाय विच कंपनी द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी पावर ग्रिड दोस्तों रेस्ट अशूर इज और रिस्ट अशूर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी जी आर विश्वनाथ जी की हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड दोस्तों ऑप्शन बी हो गया देवेंद्र झजारिया हुज़ अनाउंस ट्वेंटी थर्ड लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी प्रियंका नुटकी कंट्री द महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल वॉज इनागरेटेड बाई द एम्बेसी ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज आज़ादी का अमृत महोत्सव फेस्टिवल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया मडग आसकर एंड विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग टू थाउजेंड सेवेंटीन ट्वेंटी वन एज पर सिपरी रिपोर्ट की बात करें तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हज ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया प्रोग्राम जरोखा जरोखा किसने ऑर्गेनाइज किया ऑप्शन डी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है इनविस स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी बिल्ट दोस्तों फर्नीचर पार्क तो ये तमिलनाडु में आ रहा है एंड इन इनविस सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बिन इनागरेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन है ग्वालियर ओके इंपॉर्टेंट है ग्वालियर नहीं इन विच स्टेट इज अ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध बींग कंस्ट्रक्टेड इन ए स्लीपिंग पोस्चर तो कौन से स्टेट में बनाने वाले हैं तो ऑप्शन बी हो गया बिहार में And in which country will the 51st Southeast Asian Games was held in the year 2022 Kibat Kare? To correct answer is ka option A, Vietnam. The Indian Army version of medium range surface air missile has been developed by DRDO in a partnership with which country? Uh, then the correct answer is ka that is option A, is Israel. Right, so which institute has set up new interdisciplinary water management and policy center named Aquamap to solve water problems in India. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों आई आई टी मड्रास विच फिल्म हैजन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द नाइंटी फोर्थ अकेडमी अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन बी कोड़ा क्या है कोड़ा वट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इज ऑप्शन ए हो गया थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस दोस्तों इसका ये थीम था वर्ल्ड थिएटर डे का सो हु हैज़ द चिल्ड्रंस बुक द दिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये ऑप्शन डी दैट इज दू टू और तेंगैटो दोनों ने मिलकर लिखा है ओके बोथ एंड भी विच कंट्री हैजोन्स टू ऑनर द प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लाडिमिर जेलेंसकी विथ इट्स टॉप स्टेट ऑनर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जेक रिपब्लिक विच रेलवे जोन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की बात किया जाए तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों ईस्टर्न रेलवे जोन ओके तो 600 हंड्रेड क्वेश्चन हमने कंप्लीट uh, कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं चलिए हु हैज रिसेंटली वन इज़ फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटिल दोस्तों किसने uh, जीता है ये हमको बताना है तो ऑप्शन बी हो गया हैदराबाद एफ सी हैज़ बिकम द न्यू एम डी एंड सी ओ ऑ मारुति सुजुकी इंडिया रिसेंटली किसको बनाया गया है इंडिया का जो एम डी एंड सी ओ है मारुति सुजुकी इंडिया के तो ऑप्शन बी हिशाशी तकुची हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एड नेवा प्रोग्राम रिसेंटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड एंड रिसेंटली योगी आदित्यनाथ बिकम द चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश फॉर विच कॉन्स्टिक्यूटिव टाइम कौन से बारे बने ऑप्शन ए सेकंड टाइम इन्होंने बने दोस्तों रीसेंटली फेमस पर्सनैलिटी रमेश चंद्रा लहोतीट द एज ऑफ एटी वन तो कौन थे ये आपको फॉर्मर चीफ जस्टिस थे ठीक हैज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली की बात करें तो ऑप्शन सी कुल्तार सिंह साधवा एंड हुजन द फॉर्मुला वन बहरेन ग्रैंड फिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ना किसने जीता है ऑप्शन सी हो गया चार्लस ले ओके सो रिसेंटली डेनिस पार्लन सुलवियन हैज रिसिव द एबल प्राइज फॉर द ईयर टू कौन से फील्ड में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है ऑप्शन डी मैथेमेटिक्स रिसेंटली वेर इज अ साफ अंडर 18 वुमेंस चैंपियनशिप 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया झारखंड एंड वेर एज द थर्टी फिफ्थ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला स्टार्टेड रिसेंटली ये फरीदाबाद दोस्तों जो हरियाणा में आता है ना फरीदाबाद वहाँ पर वेन इज द वर्ल्ड मेटोरोजिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैन द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ट्वेंटी थर्ड मार्च हुआज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिस द पद्म भूषण अवार्ड्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी देवेंद्र झजारिया जी को मिला है इन विच स्टेट इंडिया का पहला पेपरलेस स्टेट असम्बली हेज बिन फॉर्मड रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया नागालैंड ओके एंड रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हे स्टार्टेड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो किसने मिल के स्टार्ट uh, किया है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी जापान ओके सो वन वॉज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड कब बनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे बीस मार्च को एंड रिसेंटली ऑस्ट्रियन प्लेयर ऑस्ट्रिक बाटिया अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विद स्पोर्ट ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों ओए वन मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये टेनिस से बिलोंग करते हैं सॉरी क्रिकेट नहीं टेनिस से बिलोंग करते हैं इन द रीसेंट रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ आई क्यूर विच बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन सी हो गया डेली हू हैज़ रिटर्न द सॉली सोरबजी बायोग्राफी सॉली सोरबजी द लाइफ एंड टाइम्स रिसेंटली तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों अभिनव चंद्रचुत विथ स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ओ बी सी कमीशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आसाम हो गया एंड ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्यूबर क्लोजिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ मार्च दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन पुष्कार सिंह धमी हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विद स्टेट फॉर सेकेंड टाइम दूसरी बार जो बने हैं ऑप्शन बी हो गया उत्तराखंड एंड हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के जो नए ब्रांड एम्बेसिडर किसको बनाया गया है जॉर्ज रसल जी को वेयर हैज द ट्वेंटी सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन बी हो गया तिरुवंतपुरम द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेकंड मार्च दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया दोस्तों बिहार एंड रितु कंद कंदकुरी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली तो दैट इज ऑप्शन बी हो गया उत्तराखंड ओके हु अमॉन्ग द फॉलिंग टॉप इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए हो गया गोवा रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बार्क इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों शशि सिन्हा

डॉग दोस्तों वेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ये बाईस मार्च को मनाया जाता है एन बैरन सिंह द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार बैरन सिंह बने हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हु रिसेंटली वोन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ दर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन भी मीरा बाई चानू एंड रिसेंटली हुजन द मैन सिंगल टाइटल इन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है विक्टर एक्सलसन दोस्तों वेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो बैजूस ने स्पॉन्सर किया है ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली पुष्कर सिंह धमी एज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड तो कौन से नंबर ये बने हैं दोस्तों ऑप्शन है ग्यारहवीं बार okay, पुष्कर सिंह

हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया चंद्रशेखर एंड वॉट इज अ रैंक ऑफ इंडिया रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन थर्टी सिक्स दोस्तों ऑन विच डेट एवरी ईयर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया ऑप्शन सी हो गया सोलह मार्च को इन विच सिटी इंडिया का पहला होली वुमेन ओन एफ एल ओ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पार्क जो ओपन किया गया था जो कि उमेन के द्वारा ओन किया हुआ है पूरा कंप्लीटली तो कहाँ पर ओपन हुआ हैदराबाद में हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ अंगेरी देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन भी कैथलीन नोवाक विथ स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंसड यू सुषमा स्वराज पुरस्कार टू वमेन तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हरियाणा हो गया दोस्तों हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो ऑप्शन ई हो गया अजय भूषण पांडे जी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन बी गुजरात इन विच स्टेट द टालेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्टर इज बींग कंस्ट्रक्टेड तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों बिहार ठीक है सो रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज गिवन स्पोर्ट्स आईकॉन अवार्ड टू द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना की बात करें तो इसका जो सही जवाब है चेक कर लेता हूँ मैं एक मिनट ऑप्शन सी दोस्तों मालदीव्स ओके एंड रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज़ बिन गिवन द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी श्रेयस अयर जी को मनाया गया है सो हु हैज़ हैजिन अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया विनोद जी कंडारे हैज़ रिसेंटली ओन द गवर्नर ऑफ दर अवार्ड इन द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज़ ऑप्शन भी होगा दोस्तों मैरियो मार्सल नाइन्थ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमे थे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी शचिलस होगा एंड वेन इज़ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है फोर्टीन मार्च हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट फिफ्टी इन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन सी ऋषभ पंत भगवा भगवंत मन हैज़ बिकम द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट दैट इज पंजाब हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑइल इंडिया लिमिटेड कौन बने हैं तो इनका जो आंसर है ऑप्शन बी रंजीत रथ रिसेंटली यून से क्यूल हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो ऑप्शन बी हो गया साउथ कोरिया एंड द टेक कंपनी सैमसंग हैज़ ओपन इंडिया का पहला ओमेन ऑपरेटेड मोबाइल स्टोर इन विच सिटी दोस्तों तो ऑप्शन सी हो गया अहमदाबाद हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज़ अ न्यू सी ई बाई कॉलगेट पालमला ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए प्रभा नरसिम्भन ठीक है चलिए रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें दैट इज़ ऑप्शन डी देवशीष पांडा एंड विद स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन सी तेलंगाना दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ विद स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना फॉर डॉटर्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ and which country former president rafiq tarar has passed away at the age of 92 ki baat kare toh, option b afghanistan dosto okay. next, Australian player Shane Vaughan was related to which sport has passed away at the age of uh, uh, 52 ki baat kare that is option a cricket and when was 187 Assam rifle rising day celebrated recently then the correct answer is option b ho toh, so 24th March who has topped the global home price index quarter 4 2021 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया टर्की डैश रिसेंटली ए जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड एक्स तस्लिक है आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री तो उसके विस्तार हो गया हु थर्टींथ ग्रीन स्ट्रॉम फोटोग्राफी अवार्ड दोस्तों किसने जीता है ये एक्चुअली तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया मोहम्मद रेजा मासूमी विच स्टेट तरिंग तारसिंग पटाए नागा स्वर्मा हैज़ गॉट जी आई टैग तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों तमिलनाडु द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इज अनाउंस टू इम्प्लीमेंट कैमल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो ऑप्शन सी राजस्थान विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर रॉड मार्श हैज पासड अवे एट द एज ऑफ सेवेंटी फोर की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सो ऑन विच डेट राइजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेलब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दस मार्च को मनाया जाता है एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कौन से तारीख को ऑप्शन भी थर्ड मार्च को दोस्तों ओके सो हुज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पोलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बा द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तो ऑप्शन सी हो गया संजय पांडे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइब्यूनल की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों जस्टिस डी एन पटेल ओके सो वेन इज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलब्रेटेड एवरी ईयर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके सो इंटरनेशनल वेमेंस डे आठ मार्च इनफैक्ट एक यू के इंटरव्यू में भी इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि आठ मार्च को मनाया जाता है वैन वॉज अर्थ अवर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हज़ सेलिब्रेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स मार्च एंड विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑप्शन सी मालदीव्स दोस्तों एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एल आई सी की बात करें तो ऑप्शन बी सुनील अग्रवाल एंड वेन इज द ओल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट मार्च को दोस्तों एंड हाउ मेनी वुमेन हैव बीन ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी दोनों को कितने लोगों को कितने वुमेन्स को ऑनर किया विद नारी शक्ति पुरस्कार सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन है ट्वेंटी नाइन इन्वेस्टेट इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम हैज़ ओपंड रिसेंटली दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया गोवा एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टी वी इंडिया जी हाँ ऋषभ पंत जी को बनाया गया है एंड वेन इज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी हो गया ट्वेंटी फोर्थ फेबर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच कंट्री द फर्स्ट आई आई टी इंस्टीट्यूट विल बी ओपन आउटसाइड इंडिया तो ये यू ए हो गया दोस्तों कौन सा यू एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए सिल्वर मेडल इन द पैरा वर्ल्ड बैडमिंट या पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों पूजा चटायर सो रिसेंटली रिसली हैज बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेडर बाय भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन सी हो गया विद्या बालन एंड हैज बिकम द वुमेन क्रिकेटर टू प्ले मोस्ट नंबर ऑफ आई वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑप्शन डी मिठाली राज हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू सी ऑफ द एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी संजीव कपूर एंड हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू सी ऑफ एश राज फिल्म दोस्तों का नाम है अक्षय विधि जी को अपॉइंट किया गया हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू ब अवर्डेड द गोल्ड्स मैन मेडल तो ऑप्शन डी हो गया दीपक धार एंड द फॉमर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हेमानंद बिसवाल हैज पासड अवे एट द एज ऑफ एटी टू सो ऑप्शन बी हो गया उड़ीसा एंड द गवर्मेंट ऑफ दिच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क की बात करें तो ऑप्शन सी डेली हो गया दोस्तों सो हुज़ बिन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ सेबी की बात करें तो ऑप्शन सी मधावी पूरी उच

सो विच कंट्री एज लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों जापान ने लॉन्च किया है इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ब्लू इकोनॉमी रोड मैप देन ऑप्शन ए हो गया फ्रांस एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिवाइडेड यूक्रेन इंटू थ्री पार्ट्स दोस्तों रशिया ने ओके द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विसेज की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए असम हो गया दोस्तों हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो गया के एन राघवन विच कंपनी है लॉन्च इंडिया का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है दैट इज ऑप्शन बी मेटाफ फॉर ने दोस्तों विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट द एन बी ए रिकग्नेशन ऑप्शन सी हो गया दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दिस इज सी नॉट बी रीसेंटली इंडियन प्लेयर वी आर वनिता हैजनाउंस टू रिटायर फ्रॉम विच स्पोर्ट ऑप्शन बी क्रिकेट हो गया

हिलाले पाकिस्तान दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया बिलगेट्स विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन तो ऑप्शन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदानी ग्रुप हेज स्टार्टअप विद बल्लाड पावर सिस्टम ऑफ विच कंट्री फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कैनेडा रिसेंटली विच फिल्म हैज़ बिन सेलेक्टेड एज फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहेब पाल इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी पुष्पा द राइज दोस्तों एंड हु हैज रीच द टॉप ऑफ़ द आईसीसी टी ट्वेंटी टीम रैंकिंग की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इंडिया वेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रवरी एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट हुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बाई वॉट परसेंटेज एज इंडियाज मिलेनियर हाउस होल्ड इंक्रीज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है एलेवन परसेंट हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यू पी आई पेमेंट सिस्टम तो ऑप्शन डी हो गया नेपाल

एंड हु हैज़ बिकम द फस्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म्स लाइसेंस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया डेली दोस्तों रीसेंटली प्रेजिडेंट ऑफ टर्की हज चेंज द नेम ऑफ इट्स कंट्री टू वॉट ये टुर्कई नाम रखा है इसमें स्पेलिंग चेंज हुई है रिसेंटली हुज़ बिन अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोआर्डिनेटर की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है जी अशोक कुमार सो हु हैज़ लॉन्च किसान मोबाइल ऐप दैट इज ऑप्शन बी आई आई टी रूर की इन विच कंट्री इंडिया विल बी सेटअप फर्स्ट आई आई टी अंडर द लेटेस्ट ट्रेड की बात करें तो ऑप्शन सी यू ए हो गया एंड अकॉर्डिंग टू द डिक्लेन ऑफ डब्ल्यू एच ओ हाउ मनी अफ्रीकन कंट्रीज विल बी गिवन एम आर एन ए टेक्नोलॉजी कितनी अफ्रीकन कंट्रीज को मिलेगी छः अफ्रीकन कंट्रीज कितना टोटल सिक्स रिसेंटली विच कंट्री हैजिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलोव ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन एयर स्पेस तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज़राइल हो गया दोस्तों विच मिन्स प्लेयर हैज़ ओन द आई सी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इस द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीगन पीटरसन हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचरी इन द रंजी ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साकििबुल गनी दोस्तों यू एस एंड विच अदर कंट्री विल ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कॉप्स आउट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया बांग्लादेश एंड हुज बी चूजन एज अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑप्शन सी संदीप बख्शी

Who has become the deputy chief of army staff? a b bhi important hai. that is option C, Channira Ponappa. Who has started the program Waste Wealth Creation? So option B to C D B on which day? World Radio Day is celebrated every year. Option B 13th febco What is the rank of India in EIU Democracy Index 2021? So it's the correct answer. Hai. That is option A46. Okay. Which has become the first union treaty of India to join national single window system. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट इन विस सिटी इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन विल बी बिल्ट तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों सूरत ओके एंड विच हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया एज पर द रिसेंट रिलीज टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स टू तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों मुंबई रीसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज हैजार्टअप विथ ताईवन इज कंपनी टू मैन्युफैक्चर सेमी तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी वेदांता कौन सा वेदांता इन विच कंट्री इज लास्का फीवर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट तो ऑप्शन भी ब्रिटेन हो गया वेन हैज़ द इंटरनेशनल चाइल्ड हुड कैंसर डे बिन सेलिब्रेटेड रीसेंटली तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों फिफ्टींथ फेब को सो वॉट नेम हैज़ बिन अनौंस बाई अहमदाबाद न्यू फ्रांचाइसी ऑफ आई पी एल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है गुजरात टाइटन्स इन्हीं ने आई पी एल भी जीता था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को हरा के हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ठीक रिसेंटली द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की हैज चेंज नेम टू वॉट वन मिनट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन थोड़े रिपीट uh, हो चुके हैं मैं थोड़ा इसको चेक कर लेता हूँ चलिए सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा दोस्तों जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था यहाँ पे एक पेज आई थिंक रॉन्गली ये लोग ने स्कैन कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्ड पल्सर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑन टेंथ फेब्रवरी हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया प्रदीप शाह जी को अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्लूमर्ग रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया की बात करें तो ऑप्शन डी गौतम अदानी साहब ओके सो सुविध स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च पी एस एल वी सी फिफ्टी टू सेटेलाइट की बात करें तो ऑप्शन सी इसरो हो गया विच फुटबॉल टीम एज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ ए एफ सी वुमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया चाइना विच कंट्री आज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हे डी एन ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइनटीन तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया इंडिया रिसेंटली हुआ एज रिलीज द री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट की बात करें तो ऑप्शन सी नीति आयोग एंड विच स्पेस एजेंसी एज डीएक्टिवेटेड द इनसेट फॉर बी सैटेलाइट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी इसरो दोस्तों एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले थाउजेंड ओ डी आईज की बात करें तो ऑप्शन सी इंडिया हो गया इन्विस्टेट इंडिया का पहला ग्राफिन इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन अनाउंस टू बी एस्टेब्लिश्ड तो ऑप्शन सी केरला हो गया दोस्तों हुज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इन्सॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया रवि मिट्टल एंड हुज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी डी आर डी एल द फ्लैगशिप ऑफ़ डी की बात करें तो किसने एक्चुअली uh, कौन बने हैं डायरेक्टर uh, ये आपको पूछा गया है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन बी जी एस श्रीनिवास मूर्ति विच प्लेयर हैज़ रिसीव द आई सी सी स्पिरट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो गया डायर मिशल हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया इन हुज़ मेमोरी पी एम मोडी हज डेडिकेटेड स्टैचू नेम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी टू द नेशन तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों संत रामाजुनाचार्य विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बाईकॉटेड द विंटर ओलंपिक्स 2022 तो ऑप्शन बी इंडिया हो गया एंड विच ऑफ इट्स राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन फेब्रवरी फर्स्ट टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फोटी तो दोस्तों रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज़ वोन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टू द करेक्ट आंसर विल भी दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया पी आर स्रीजेश एंड श्योमारा कैस्त्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री दट इज ऑप्शन ए हॉन्डूरास दोस्तों वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड फिफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दट इज ऑप्शन है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर नेक्स्ट हु वन द वेन सिंगल टाइटल इन ओडिशा ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए उन्नति हुडा उमर अताप बंदियाल हैज बिकम द ट्वेंटी एट चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों पाकिस्तान नेक्स्ट देख लेते हैं वो एज रीसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन मदन मोहन त्रिपाठी एंड हु एज बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डी की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों जी ए वी रिटी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विस सिटी इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क को आ, मनाया जाता है तो ऑप्शन सी जबलपुर हो गया एंड विथ स्टेट हैज़ बिन कनेक्टेड विद गुड स्ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ए मणिपुर हो गया है इन विच गल्फ कंट्री वॉज द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली दैट इज ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया एंड हु हैज़ वोन द मैन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों राफेल नडाल इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क लगाया गया है दैट इज़ ऑप्शन डी जयपुर हु हैज़ वोन द ट्वेंटी फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी राफेल नडाल दोस्तों हु हैज़ रिसेंटली वोन द बिग बॉस सीजन फिफ्टीन ट्रॉफी तो किसने जीता है तो ऑप्शन सी हो गया तेजस्वी प्रकाश एंड हु हैज लॉन्च इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स की बात करें तो पेटीएम मनी लॉन्च किया रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ द कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स ओके नेक्स्ट हु हैज ओवरटेकन द बेंगलुरु एज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया दिल्ली एंड विथ सिटी हैज बिकम द रेसिपिएंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान देन रिसेंटली uh, तो ऑप्शन बी हो गया नासिक दोस्त यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट है विच बैंक अप विद द टाटा पॉवर फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स तो एस बी आई बैंक ने टाइप किया है एंड विच कंट्री है रिसेंटली बिन डिक्लेयर बाय द यू एस मेजर नॉन नेटो अलाई की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया खतर एंड विच स्टेट खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी हैज लिस्टेड एज रामसार साइट तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात and who has been selected as the best state tableau in the republic day parade 2022 that is option a uttar pradesh which country has entered new year the year of tiger that is option a china and which country has stopped india's state partner in 2021 then the correct answer will be that is option b america who has written the famous book of golden boy neeraj chopra to option a navdeep singhl and where is the lowest unemployment rate recorded in January 2022? That is option C Telangana. Which player has won the first gold of 24th Winter Olympics 2022 recently? So the correct answer is option B Terese Johang. And what name have scientists given to Mountain 3 times bigger than the Himalaya uh, found recently? So the correct answer is option C Super Mountains. Dosto. Okay. Next, who has launched the nationwide operation Ahat took up human trafficking ki baat kare, option C to RPF? एंड हु हैज़ स्टॉप इन द रीसेंटली इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन भी हो गया जम्मू कश्मीर हु हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट बयर ऑफ गोल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी है वेयर हैज़ द ओल्ड लार्जेस्ट इग्लू केफ ओपन रीसेंटली इग्लू केफ ऑबियसली लद्दाख में ही ओपन हुआ होगा यस करेक्ट आंसर इज़ ओके ओके एक मिनट चेक कर लेता हाँ जम्मू कश्मीर में दोस्तों लद्दाख Who has started Jiva program to promote natural farming? to option C is Nabat. And who has recently chaired One Ocean Summit 2022 to preserve the ocean? That is option C, France. Ho who has recently won the title of mixed double champion in the tennis tournament? That is Australian Open 2022. So, option C is Ivan Dodding and Kristalina Mladovic. option C. Both of the above. Who has written the book Ten trillion Trillion dream recently? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष गर्ग एंड हुज लॉन्च न्यू ऐप कॉल्ड डिजिटल पार्लियामेंट तो ऑप्शन बी हो गया लोकसभा सेक्रेटरी टाटा स्काई हैज अनाउंस टू चेंज इट्स नेम टू वॉट टाटा प्ले एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों अनंत नागेश्वर ठीक एंड वेयर हैज़ इंडिया लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली दैट इज ऑप्शन ए गुरुग्राम दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दक्षिण मबोंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ओ डी एफ प्लस विलेज ऑफ विच स्टेट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है मिजोराम एंड रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन नोटिफाइड एज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट ये राजस्थान दोस्तों सो दिस इज द एंड ऑफ द एम सी क्यूज विच वी हैव कवर फ्राम द फर्स्ट नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू द फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जी हाँ सेप्टेम्बर के भी जो लेटेस्ट करेंट अफेयर है वो भी एम सी क्यूज फॉर्म ने हमने कवर कर चुके हैं तो उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा जल्द से जल्द इसको रिविज़न कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो जो है हम वन लाइनर्स पर बनाएंगे जिसपे हम पहले कवर करेंगे जो सेप्टेम्बर uh, के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर किया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट करेंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे दोस्तों ठीक okay? है तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ स्टे सेफ्टी एंड हैप्पी दिवाली थैंक यू